दोस्तों, मोटापा बहुत बड़ी समस्या है जो ना सिर्फ देखने में बुरा लगता है बल्कि हमारी सेहत को भी प्रभावित करता है। कुछ लोग मोटापा से नहीं बल्कि मोटे पेट से परेशान रहते हैं। पेट का फूलना मोटापा नहीं बल्कि पेट में मौजूद गैस है जिसकी वजह से पेट का आकार बढ़ने लगता है। सामान्य तौर पर खाना खाने के बाद पेट फूला हुआ महसूस होता है। ये समस्या तब आती है जब छोटी आंत के अंदर गैस भर जाती है। पेट फूलने की समस्या का सीधा संबंध पाचन क्रिया में गड़बड़ी हो सकता है। कुछ लोग इस परेशानी को आम समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं जिसकी वजह से यह गंभीर बीमारी बन जाती है। तो आइए वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए, जानते हैं कि पेट फूलने की समस्या क्या है, इसके लक्षण कौन कौन से हैं और इसका उपचार कैसे करें। सबसे पहले जानते हैं पेट फूलना क्या है। आमतौर पर पेट फूलने का कारण पेट में बनने वाली गैस होती है जिससे पेट का आकार बढ़ने लगता है, जिसे पेट की सूजन भी कहते हैं। सामान्य तौर पर ऐसा खाना खाने के बाद महसूस होता है। पेट क्यों फूलता है? डाइट में ऐसी चीजें शामिल करना जो पेट में गैस का कारण बन सकती है, उनकी वजह से पेट फूलने की समस्या पैदा होती है। ये समस्या तब आती है जब छोटी आंत के अंदर गैस भर जाती है। पेट फूलने के कारण ब्लोटिंग कई कारणों से हो सकती है, जैसे लाइफस्टाइल में गड़बड़ी, हार्मोन का असंतुलन होना, बासी भोजन का सेवन, पेट में पानी या फ्लूड का भर जाना, कब्ज, ज्यादा देर तक भूखे या फिर कई घंटे एक ही जगह पर बैठे रहना। पीरियड्स आने पर होने वाली शारीरिक बदलाव भी पेट फूलने का कारण बनते हैं। इसके अलावा दवाइयों का अधिक सेवन या और भी बहुत से कारण हैं जो ब्लोटिंग की वजह है। खाने के साथ पानी पीना पेट फूलने का सबसे बड़ा कारण है। अक्सर लोग खाना खाने के साथ साथ पानी पीते रहते हैं। ये आदत भी गैस ज्यादा बनाने और ब्लोटिंग की समस्या के लिए जिम्मेदार हो सकती है। इसीलिए खाना खाते समय या इसके तुरंत बाद पानी ना पिए। पेट फूलने के लक्षण। पेट फूलने की बीमारी में सबसे आम लक्षण बेचैनी होना और पेट का भरा हुआ महसूस होना होता है। घबराहट, बेचैनी, पेट में दर्द, कब्ज या दस्त, वजन घटना, थकान, तेज सिर दर्द या कमजोरी, बार बार गैस बनना, गैस निकलने पर बदबू आना, पेट फूलना और खट्टी ढकारे आना, उल्टी जैसा महसूस होना, कभी कभी बुखार आना, ये सभी पेट फूलने के आम लक्षण होते हैं। पेट फूलने की समस्या से बचने के उपाय। आप रोजाना कम से कम 8-10 गिलास पानी जरूर पिए। इससे पाचन तंत्र अच्छी तरह काम करता है और कब्ज की समस्या नहीं होती। तली और मिर्च मसाले वाली चीजें खाने से दूरी बनाकर रखें। साथ ही नोट करें कि कौन कौन सी चीजें खाने से आपके पेट में जलन और गैस होती है। जंक फूड से दूरी बनाकर रखें। शराब, धूम्रपान और तम्बाकू का सेवन बिल्कुल ना करें। ये हमारे पाचन तंत्र को खराब करते हैं जिससे गैस और एसिडिटी होती है। चाय, कॉफी का सेवन कम से कम करें। इनकी तासीर गर्म होती है जिस कारण पेट में जलन होती है। प्रतिदिन कम से कम 20 से 25 मिनट योगासन जरूर करें। इससे पेट के अंदरूनी अंग सही प्रकार से काम करते हैं। रात को खाना खाने के बाद कुछ देर तक टहलें। इससे पाचन तंत्र अच्छा रहता है और भोजन भी जल्दी हजम हो जाता है। कार्बोनेट ड्रिंक्स और वाइन ना पिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। पाइप के द्वारा कोई चीज ना पिए बल्कि सीधा गिलास से पिए। तनाव भी गैस बनने का एक प्रमुख कारण है। इससे दूर रहने की कोशिश करें। दिन में 3 बार के बजाय कुछ कुछ घंटों के अंतराल पर मिनी मील खाएं। खाकर तुरंत ना सोएं। मेरे प्यारे दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आप किसी एक्सपर्ट से भी सलाह ले सकते हैं। यदि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा करता हूं दोस्तों आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। ऐसे ही नई नई जानकारियां हम आपको देते रहेंगे।